हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटीआई जॉब तक। फ्रेंड, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो बहुत ही बड़ी फाइनेंस कंपनी है, उस कंपनी में आज वैकेंसी निकाली हुई है। ठीक है, वो कंपनी ने अपना जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन होता है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, ये जो कंपनी है डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू भर्ती कर रही है, इसमें कोई भी आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के थ्रू ही आपकी डायरेक्ट भर्ती हो रही है। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट के लिए कंपनी ने आज वैकेंसी निकाली हुई है। यदि आप फ्रेशर हैं तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, और आज अगर आप एक्सपीरियंस है माइक्रो फाइनेंस में कहीं भी, ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस वाले भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कंपनी है चार पोस्ट के लिए हायरिंग कर रही है। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो वो CRO, LO, ACRM और CRM, ये चार पोस्ट के लिए कंपनी ने वैकेंसी निकाली हुई है। ठीक है, आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी की कंडीशन अलग अलग हैं। वो पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में आप लोगों को आज देने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो शुरू करने से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए और पहली बारी हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सामने आने वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको डेली ऐसे ही लेटेस्ट जितने भी हम अपने चैनल पर जॉब्स की वीडियो अपडेट डालते हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, सारी माइक्रो फाइनेंस और सारी ITI 10th 12th सभी की जॉब आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो CRO जो पोस्ट है, CRO पोस्ट के लिए मिनिमम 12th होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप CRO पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी अपने ग्रेजुएशन जो किसी भी स्ट्रीम से होनी कंप्लीट हो, आपकी BE हो, BA हो, BSc हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, और 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं CRO पोस्ट के लिए। तो ठीक है, और LO और जो ACRM पोस्ट है, ठीक है, और CRM, ये तीन पोस्ट जो है, LO, ACRM और CRM, ये तीनों पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस की मैं आप लोगों से बात करूं तो CRO पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की जो फ्रेशर है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो CRO पोस्ट है उसके लिए फ्रेशर के लिए कंपनी ने वैकेंसी निकाली हुई है, और LO ACRM के लिए मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जो LO और ACRM के लिए कंपनी वैकेंसी निकाली है उसमें 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और CRM के लिए मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप CRM पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जो भी जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, CRO के लिए फ्रेशर है, LO और ACRM के लिए 2 से 3 साल, और CRM के लिए 3 साल प्लस, मतलब 3 साल से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की मैं आप लोगों से बात करूं तो सैलरी जो है CRO के लिए 12,000 से स्टार्टिंग होगी। इन हैंड जो आपकी सैलरी आएगी, PF, ESI सारी सुविधाएं कंपनी में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपकी CRO पोस्ट के लिए 12,000 रुपये पर मंथ आएगी, और 13,000 रुपये आएगी आपकी LO, ACRM और CRM की जो सैलरी है वो 13,000 रुपये पर मंथ आपकी इन हैंड जो सैलरी है वो रहने वाली है। ठीक है, जॉब लोकेशन की हम बात करें तो जॉब लोकेशन बिहार, मोतिहारी और दरभंगा। ठीक है, ये वैकेंसी है और इसका इंटरव्यू जो है 12 मार्च को चलने वाला है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट जो बिहार, मोतिहारी और दरभंगा के लिए अप्लाई करना चाहता है वो 12 तारीख को इंटरव्यू चलने वाले हैं, और भगवानपुर ब्रांच उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जी, भगवानपुर में एक ब्रांच है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की, वहाँ पर ये इंटरव्यू कंपनी के द्वारा चलने वाले हैं 12 तारीख को। तो जितने भी कैंडिडेट हैं पहले अपना रिज्यूम जो है इस ये मेल आईडी दी हुई है, ठीक है, इस मेल आईडी पे अपना जो है लेटेस्ट रिज्यूम, मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट हो वो सेंड कर दें, आपके पास मैसेज या कॉल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको कब और कितने समय, कितने टाइम मतलब पहुंचना है। ठीक है, आप पहले अपना जो CV है वो इस मेल आईडी पर सेंड कर दें। ठीक है, दूसरा जो इंटरव्यू चलने वाले हैं वो पुरनिया और सहरसा, ठीक है, मतलब पुरनिया के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है और सहरसा के लिए हायरिंग कर रही है। ठीक है, दो डिस्ट्रिक्ट के लिए हायरिंग कर रही है, 12 तारीख को ही इंटरव्यू चलेंगे, 12 मार्च को ही। ठीक है, लेकिन पुरनिया जो इंटरव्यू रहेंगे वो पुरनिया ब्रांच पर रहेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक की, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो एक ब्रांच पुरनिया में आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर ये इंटरव्यू चलने वाले हैं। इस ये मेल आईडी दी हुई है, इस मेल आईडी पे आप अपना लेटेस्ट रिज्यूम सेंड कर दें, आपको कॉल के थ्रू बता दिया जाएगा। ठीक है,
और बिहार में जो तीसरा इंटरव्यू चलने वाला है वो भी बिहार में ही चलने वाला है। वो जो हायरिंग हो रही है वो बेगूसराय, बरौनी और डालसिंह राय और समस्तीपुर, ठीक है, इन सारी जो लोकेशन दी हुई है पोस्ट, मतलब लोकेशन दी हुई है, ये सारी इसी लोकेशन पे जो कंपनी हायरिंग कर रही है। और इसके इंटरव्यू 12 मार्च को ही चलने वाले हैं। बेगूसराय ब्रांच पे आपको जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक बेगूसराय में एक ब्रांच देखने को मिलेगी, उसी ब्रांच पे आपको इंटरव्यू चलने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस दिए हुए मेल आईडी पे अपना रिज्यूम अपने मोबाइल से सेंड कर दें, या फिर आपसे नहीं होता तो किसी से अपना CV इस मेल आईडी पर आप सेंड करा दें, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो कैसी लगी आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप चलाते हैं, वहाँ पर हमारी इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही कंटेंट डेली मिलता रहा, जितनी भी लेटेस्ट जॉब आती है उनकी अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।